गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश मिनारिया और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, यदि आप टीचर बनने का सपना संजोए हुए हैं तो आपको बीएड करनी पड़ेगी और बीएड करने के लिए आपको पीटीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, पीटीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप पीटीईटी का फॉर्म भरना भूल गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, जून 2020 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप ये एग्जाम फाइट कर ये एग्जाम क्लियर कर आप बीएड कर सकते हैं पीटीटी का एग्जाम देकर। और यदि आप 12th का एग्जाम दे चुके हैं या 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 4 साल का जो कोर्स है बीएससी बीएड या बीए बीएड वो भी आप कर सकते हैं, और ग्रेजुएट है तो आपको 2 साल का समय लगेगा ये कोर्स करने में। दोस्तों, पीटीटी का जो ये एग्जाम है, ये पीटीटी का एग्जाम डूंगर कॉलेज बीकानेर करा रहा है, पीटीईटी 2020 एग्जाम। और दोस्तों, इसकी जो नोटिफिकेशन है जो जारी की थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं, मोटे तौर पर नोटिफिकेशन में यह बात कही गई है कि इस एग्जाम की जो संभावित तारीख है, संभावित तारीख वो है 16 अगस्त 2020। और दोस्तों, अगस्त सेकंड वीक तक इसके एडमिट कार्ड भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस यदि आप पिछली बार ये एग्जाम दिया है आपने और किसी कारण से आप वंचित रह गए हैं तो इस बार ये फॉर्म भरिए और एग्जाम क्लियर कर लीजिए। और पिछली बार का जो पैसा है वो इस नोटिफिकेशन में इसके रिफंड को लेकर भी बात कही गई है, आप नोटिफिकेशन पढ़िए और रिफंड के बारे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम को लेकर जो कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, जैसे कि एग्जाम कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, कितने पार्ट होंगे, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जो कोई भी आपका डाउट है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपके सारे कमेंट क्लियर करा दूंगा। फिलहाल मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, ये जो एग्जाम होगा इसके मोटे तौर पर 4 बड़े भाग होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 4 जो बड़े पार्ट है उसमें है मेंटल एबिलिटी, उसमें है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें है जनरल अवेयरनेस और उसमें है लैंग्वेज। लैंग्वेज में एक हिंदी रहेगी या फिर एक इंग्लिश रहेगी। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, आपको जो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपके डाउट सॉल्व करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।